नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सलोनी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन में। उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बदायूं की बिलसी विधानसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी भ्रष्ट और गुंडा पार्टी है, अब कोई कहीं किसी की भूमि पर कब्जा नहीं कर सकता। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं को बताते हुए कहा कि यूपी में अब गरीब किसान, महिलाओं, युवाओं को हर तरीके से लाभ दिया जा रहा है। केशव प्रसाद मौर्य ने भारत सरकार की योजनाओं में उज्ज्वल योजना, किसान सम्मान निधि, आवास और कानून व्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि अब कोई किसी की जमीन या मकान पर कब्जा नहीं कर सकता। उन्होंने एक जाति का संबोधन करते हुए कहा कि यहाँ एक जाति बहुत अधिक है, इसलिए सम्राट अशोक की मूर्ति का अनावरण किया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पर आवास मंत्रालय भी है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आवास को लेकर बिलसी क्षेत्र के किसी एक का वीडियो वायरल हुआ जो रिश्वत देते हुए दिखाई गया है। इसी को लेकर उन्हें मंच से कहा कि भ्रष्टाचार कहीं भी किसी भी प्रकार हो, उससे बख्शा नहीं जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य ने आगामी लोकसभा के लिए जनता से आशीर्वाद भी मांगा। उन्नाव में पूर्व पीएम स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर किसान सम्मान दिवस कार्यक्रम शिरकत करने पहुंचे बतौर मुख्य अतिथि भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने किसानों को सम्मान किया। साक्षी महाराज ने किसानों को मन से संबोधित किया। साक्षी महाराज कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में सचिन विपक्ष के नेताओं पर जुबानी हमला बोला। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगाए हिजाब बैन, सरकार कांग्रेस सरकार में हिजाब बैन हटाने पर बहुत ही कम शब्दों में सवाल से बचते हुए कहा कि अब धीरे धीरे देख लीजिए, मोदी है तो मुमकिन है। भाजपा के सांसद सुब्रत पाठक के राम मंदिर ट्रस्ट को पत्र लिखे जाने के मामले में उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में ना बुलाए गए क्योंकि इन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलाई थी। इस पर भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने जवाब देते हुए कहा कि कार की राम का आदर्श आसमान को छोटा है। विदेश जो भी भारत में घूमने आएगा तो देखने के लिए पहला स्थान मंदिर होगा। प्रभु श्री राम के मंदिर में जो भी आएगा उसको रोका नहीं जा सकता। राम का हृदय इतना विराट है कि उनके शरण में आने वाले को रोका नहीं जा सकता। वहीं सांसद साक्षी महाराज ने लगातार चल रही इंडिया गठबंधन की मीटिंग को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि ममता बनर्जी केजरीवाल द्वारा पीएम फेस कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को आगे बढ़ाने पर चुनाव की घोषणा होने तक देख लीजिए, INDI गठबंधन तार तार हो जाएगा। उसके बाद ये सब मेंढक अपने अपने हिसाब से चुनाव लड़ेंगे। राम का आदर्श आसमान को छूता है। मैंने अभी अपने उद्बोधन में कहा था कि अब हिंदुस्तान में जो कोई भी आएगा अगर विदेश से भी, तो पहला उसका देखने का स्थान पुरुष श्री राम का मंदिर होगा। तो पुरुष श्री राम की शरण में कोई भी आए उसे रोका नहीं जा सकता। जब भीषण आने लगा था तब भी इस तरह की तरह तरह की बातें हुई थी, किसी का दुश्मन है, दुश्मन का भाई है, लेकिन प्रभु श्री राम ने कहा कोई बात नहीं, आने दीजिए। तो राम का हृदय इतना विराट है कि शरण में आने वाले को रोका नहीं जा सकता। सुबह को भूला हुआ शाम को घर आता है तो उसे भूला नहीं पाया जाता। खबर उन्नाव से है। यहाँ हर साल की भांति नर सेवा नारायण सेवा और हिंदू जागरण मंच की 25 दिसंबर को निकाली जाने वाली तुलसी पूजन दिवस विशाल यात्रा, राम मंदिर और खाटू श्याम जी सहित सैकड़ों मनमोहक झांकियों के साथ ही इंडिया आर्मी बैंड, स्थानीय बैंड और घोड़े रथों में महापुरुषों की झांकियों के साथ पूरे भव्यता से निकाली जा रही है। यात्रा की संक्षिप्त रूपरेखा पत्रकार वार्ता कर नरसेवा नारायण सेवा और तुलसी पूजन दिवस यात्रा के संस्थापक विमल द्विवेदी ने बताया कि कार्यकर्ताओं द्वारा महा जनसंपर्क अभियान चलाकर आम जनमानस को आमंत्रण पत्र और तुलसी का पौधा देकर आमंत्रित किया गया है। यात्रा के दौरान भी तुलसी के पौधे का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। साथ ही ढोल नगाड़ों के साथ भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन को भी मनाया जाएगा। साथ ही राम जन्मभूमि आंदोलन में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले हजारों कार सेवकों को भी हम कृतज्ञ हिंदू समाज की तरफ से श्रद्धांजलि देंगे।
आप सबको आगामी 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस यात्रा की आप सबके माध्यम से जनपद वासियों को और पूरे देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं। और नर सेवा नारायण सेवा हिंदू व हिंदू जागरण मंच द्वारा गत वर्षों की भांत इस वर्ष भी आगामी 25 दिसंबर को विशाल तुलसी पूजन दिवस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 51,000 निःशुल्क तुलसी के पौधों का वितरण के साथ साथ भव्य राम मंदिर की झांकी व सैकड़ों महापुरुषों व अन्य झांकियां सम्मिलित होने वाली हैं, जिसमें कि रामलीला ग्राउंड से लेकर वृंदावन गार्डन तक ये यात्रा निकलने वाली है, जिसमें आर्मी बैंड व स्थानीय बैंडों के साथ साथ महापुरुषों की झांकियां। बदायूं में नौकर ने जेसीबी मालिक साहिल के पैर में गोली मार दी। पैर में गोली लगने से जेसीबी मालिक गिरकर घायल हो गया। वहीं अस्पताल में डॉक्टरों ने मालिक को मृत घोषित कर दिया। आरोप है कि मिट्टी खनन को लेकर दोनों में कहासुनी हुई थी। घटना के बाद आरोपी ने खुद भी गोली मार ली थी, जिसके बाद उसने खुद थाने में जाकर सरेंडर किया था। मामला बदायूं के सिविल थाना के टेलीफोन एक्सचेंज के पास का है। जनपद बदायूं के थाना सिविल लाइन्स में नगला सरकी निवासी साहिल अपने साथी विपिन झा के साथ BSNL ऑफिस के पास एक प्लॉट में लेवलिंग का कार्य कर रहे थे। किसी बात को लेकर के दोनों की आपस में लड़ाई हुई, जिसमें विपिन झा ने तमंचे से फायर किया गुत्थम गुत्था लड़ाई में, और साहिल को घायल अवस्था में हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पे डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। विपिन झा को भी हाथ में गोली लगी है, जिनको पुलिस अभिरक्षा में ले करके अस्पताल के लिए एडमिट करा करके उनका इलाज कराया जा रहा है। कासगंज में क्षेत्रीय भाजपा सांसद राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया की अध्यक्षता में किसान सम्मान दिवस का आयोजन किया गया। किसान सम्मान दिवस कार्यक्रम का आयोजन पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन के अवसर पर किया गया, जिसमें सैकड़ों किसानों ने हिस्सा लिया। वहीं कार्यक्रम में किसानों को संबोधित फसलों की जानकारी के लिए विभागों के द्वारा स्टॉल भी लगाए गए। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, जिनके जन्म दिवस के मौके पर कासगंज ब्लॉक में किसान सम्मान दिवस का आयोजन किया गया। इस किसान सम्मान दिवस की अध्यक्षता क्षेत्रीय भाजपा सांसद राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया ने की है। वहीं इस किसान सम्मान दिवस में सैकड़ों की संख्या में किसान पहुंचे, उन्होंने कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं किसानों ने अपनी समस्याएं क्षेत्रीय सांसद राजवीर राजू भैया के सामने रखी। इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय भाजपा सांसद राजवीर सिंह ने किसानों की समस्याओं को सुनकर समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए और कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार हमेशा किसानों के साथ है और किसानों के लिए सरकार की तरफ से तमाम योजनाएं संचालित की जा रही है, जिनका सीधे लाभ किसानों को मिल रहा है। बिजनौर के पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन पुलिस की छवि खराब करने वाले पुलिसकर्मियों पर गंभीरता से कार्रवाई कर रहे हैं, जिसका असर जनपद की जनता पर सीधा दिखाई देता है। पुलिस की नकारात्मक छवि को भूलकर अब जिले की जनता पुलिस पर भरोसा कर रही है, लेकिन कुछ पुलिसकर्मी शायद अभी भी पुलिस की छवि को धूमिल करने में बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला थाना नजीबाबाद का है। नजीबाबाद शहर में कोटद्वार रोड पर ब्रिज के ऊपर पुलिसकर्मी की एक गाड़ी फ्लाईओवर की डिवाइडर से टकराकर रुक गई। मौके की कवरेज करने पहुंची मीडिया कर्मियों का आरोप है कि जैसे कवरेज करना शुरू किया तो पुलिसकर्मियों ने उनके साथ अभद्रता की और मोबाइल छीनकर फेंक दिया। आरोप है कि पुलिसकर्मी दारू पीकर ड्राइविंग कर रहे थे, जो नशे में धुत होकर लापरवाही से तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहे थे, जो एक बड़े हादसे का कारण भी बन सकता था। सूचना पर मंडी चौकी इंचार्ज मौके पर पहुंच कर गाड़ी से निकालकर पुलिसकर्मियों को मौके से चलता कर दिया। पुलिसकर्मियों के इस रवैये से मीडिया कार्यक्रम में रोष फैल गया। मीडिया कर्मियों ने मंडी चौक पर आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ शिकायत पत्र देकर न्याय की मांग की है। झांसी में घने कोहरे का कहर नजर आ रहा है। घने कोहरे के कारण झांसी खुजराहो मार्ग पर एक के बाद एक चार वाहन आपस में टकरा गए, जिसमें हादसे का शिकार हुई एक कार में सवार पिता पुत्र और दोस्त में एक की मौत हो गई, जबकि कई घायल हो गए हैं। हादसे के बाद हाईवे पर जाम लग गया। हादसा झांसी खुजराहो मार्ग पर यूपी और MP की सीमा पर होने वाले के कारण जानकारी होते ही झांसी की बरुआ सागर थाना पुलिस और मध्य प्रदेश की ओरछा पुलिस मौके पर पहुंच गई। घटना UP-MP की सीमा पर झांसी खुजराहो मार्ग पर स्थित बेतवा नदी के ओवरब्रिज पर की है, जहां खराब
मौसम के कारण एक ट्रक खड़ा हुआ था। शनिवार की सुबह एक टैक्सी जा रही थी जिसमें दो लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि घने कोहरे के कारण दूर से ट्रक नहीं नजर आया। जब टैक्सी नजदीक पहुंची तो तभी उसने खड़े ट्रक में टक्कर मार दी जिसके कारण ब्रेक लग गया और टैक्सी पलट गई। उसमें दो लोग घायल हो गए हैं। इसी दौरान पीछे से दूसरा ट्रक भी आ रहा था। ट्रक चालक ने जब यह हादसा देखा उसने भी ब्रेक लगा दिया। इस समय पीछे से एक ब्रेजा कार आ रही थी जो ट्रक में पीछे से टकरा गई जिसमें उसमें सवार। जी बेतवा पुल पे जो है कि बरुआ सागर से झांसी की तरफ आने वाली वाहन है, आप ही है, एक बाइक है, ट्रक है और सुना है पीछे कार भी लगी थी। तो ट्रक वाले ने आप ही में पीछे से जो है टक्कर मारी है, आप ही डिसबैलेंस होकर एक साइड में एक चल रही बाइक में लगी है और पीछे से वो कार जो है उस ट्रक में भी, ऐसी जानकारी मिली है कि पीछे से ट्रक में जो है कार ने भी मारी है। तो तीन चार वाहन इन्वॉल्व हैं इस एक्सीडेंट में। आपे वालों को ज़्यादा चोट आई है, जानकारी मिली है कि कार में बैठने वाले को भी, एक दो सवारियों को भी चोटें आई हैं। बुलंदशहर के थाना क्षेत्र गुलवाटी में असामाजिक तत्वों द्वारा प्राथमिक विद्यालय के गेट की संकाल का कुंडा तोड़ने का मामला सामने आया है। न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम ने मामले को लेकर जब प्रधानाचार्य सविता यादव से पूछा कि रात को स्कूल का गेट क्यों खुला रहा तो प्रधानाचार्य ने बताया कि देर रात विद्यालय के गेट के संकाल का कुंडा 22 दिसंबर की देर रात कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ा गया जिसके चलते पूरी रात गेट खुला रहा। उन्होंने बताया कि स्कूल में रात को गेट पर ताला लगाने की जिम्मेदारी स्कूल में उपस्थित कस्तूरवा वार्डन की होती है। इस मामले को लेकर प्रधानाचार्य द्वारा नगर के थाने में शिकायत कराई गई जिसका कोतवाल ने संज्ञान लेकर पुलिसकर्मियों को भेज समस्या का निदान कराया। प्रधानाचार्य ने भविष्य में स्कूल में फिर ऐसी घटना न हो उसके लिए नगर कोतवाल से फैंडम पुलिसकर्मियों द्वारा निगरानी बरतने की अपील की। साथ ही ईओ से स्कूल में कुछ लाइट लगवाने की भी अपील की। स्कूल हित में बेहद सक्रिय प्रधानाचार्य सविता यादव द्वारा की गई अपील को लेकर जहां एक तरफ कोतवाल समर बहादुर सिंह ने स्कूल में फैंडम पुलिसकर्मियों को घूमने के लिए आदेशित किया है तो वहीं दूसरी तरफ ईओ निहारिका चौहान ने स्कूल में रात को रहने वाले अंधेरे को दूर रखने के लिए जल्द ही लाइट लगवाने का आश्वासन भी दिया है। गेट खुला होने के पीछे कस्तूरबा की वार्डन की जिम्मेदारी है कि वो रात में ताला लगवाएं और यदि ताला नहीं लगा तो वो बच्चों ने, बाहरी बच्चों ने गेट का ताला तोड़ दिया है कुंडा, जिसके लिए हमने प्रार्थना पत्र दे दिया है कि बाहरी बच्चों के द्वारा स्कूल में भी नुकसान किया थाने में। थाने की तरफ से क्या कार्रवाई की? थाने की तरफ से कोतवाल साहब ने अपने दो तीन कर्मचारियों को भेजा और उन बच्चों को घर से पकड़वा कर उठवाया गया और जिनसे लिखवा कर ले लिया गया कि आगे को वो कोई स्कूल में, विद्यालय में नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बटेश्वर से हवाई यात्रा शुरू होने वाली है जहां हेलीकॉप्टर में बैठकर बटेश्वर पर्यटन मंत्री के पुत्र अतुल सिंह पहुंचे जहां उनका स्वागत किया गया। बता दें कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आगरा से ब्रज क्षेत्र मथुरा नोएडा तक की हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत हो रही है। हेलीकॉप्टर में प्रथम बार राधा कृष्ण के स्वरूप उड़ान भरेंगे जिसके लिए हेलीकॉप्टर बटेश्वर पहुंचे। वहीं बटेश्वर में आज सीएम योगी का दौरा भी है जहां सीएम योगी पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा का अनावरण और 100 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। विधायक बा पक्षालिका पूर्व मंत्री अर्दिमन सिंह सहित प्रशासनिक अधिकारी लगातार कार्यक्रमों का जायजा लेते हुए दिखे। हरदोई में रेडीमेड कारोबारी के अपहरण मामले में फरार चल रहे तीन बदमाशों में से दो बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। स्वाट सर्विलांस एसओजी और मलावा पुलिस की संयुक्त टीम से मुठभेड़ में दो बदमाशों को गोली लगने के कारण अरेस्ट कर लिया गया। दोनों बदमाश को हरदोई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। केशव चंद ने बताया कि वंचित चल रहे दो अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से एक सेंट्रो कार और हथियार भी बरामद हुआ है। 19 दिसंबर को
थाना पाली के रामजी मिश्रा कपड़ा व्यवसायी की जो अपहरण हुआ था उसमें 22 तारीख को उन्हें बरामद किया गया था पुलिस मुठभेड़ के दौरान, और एक अभियुक्त विशाल वर्मा घायल हुआ था और जो गिरफ्तार किया गया पुलिस के द्वारा। उसी दौरान पूछताछ के दौरान पता चला था कि इसमें और अभियुक्त जो थे फरार हुए थे उनका नाम पता ज्ञात हुआ था, जिन पर मेरे द्वारा 10,000 रुपये के इनाम घोषित किए गए थे। आज मल्लावा थाना क्षेत्र के जब चेकिंग चल रही थी कि जो गाड़ी अपहरण में प्रयुक्त हुई थी UP 32 नंबर की सेंट्रो कार थी वो जाती हुई दिखाई पड़ी, तो CEO मल्लावा और उनकी टीम द्वारा इसको पकड़ लिया गया। सूबे के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक बाराबंकी में मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने मेयो इंस्टीट्यूट में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया। साथ ही उन्होंने अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर के मुद्दे पर कहा कि हम सभी पूरी तरह से तैयार हैं, प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही लोकार्पण करेंगे। मेडिकल कॉलेज में हमने वार्षिकोत्सव में प्रतिभाग किया है, सभी बच्चों को शुभकामनाएं दी हैं, पुरस्कार वितरण हुआ है, और आज मेयो मेडिकल कॉलेज का नाम बदल करके उनके संस्थापक श्रद्धेय डॉक्टर केएन सिंह जी के नाम पर किया गया है। मैं प्रबंधन को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं। कासगंज में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अवैध क्लिनिक को सील कर दिया। SDM और SMO ने पुलिस बल के साथ अवैध क्लिनिक पर छापा मारा। बता दें कि तहसील दिवस में अवैध क्लिनिक की शिकायत मिली थी, वहीं क्लिनिक संचालक डॉक्टर सहदेव क्लिनिक संबंधी दस्तावेज नहीं दिखा सके, जिसके बाद DM के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम और SDM ने कार्रवाई की। आरोप है कि क्लिनिक अवैध रूप से संचालित हो रहा था। वहीं स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई से झोलाछाप डॉक्टरों में हड़कंप मच गया। मामला कोतवाली गंजडूरवा क्षेत्र के बहोटा गाँव में स्थित डॉक्टर सहदेव की क्लिनिक का है। महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 26 गांधी ग्राम कॉलोनी में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने 6,68,00,000 की लागत से सिविल लाइन का शुभारंभ किया। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने पूर्व की सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पहले सबसे ज्यादा सड़क बनाने का काम शेरशाह सूरी का नाम लिया जाता था, लेकिन अब अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लिया जाता है। वर्तमान की सरकार जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए विकास कार्य कर रही है। विभाग कोई भी हो लेकिन सभी काम जनता के लिए होता है। वहीं CSR फंड से 11,99,00,000 रुपए पास किए गए हैं, जिसका वो स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि पहले शक्तिपुरम पटेल नगर की हालत बहुत खराब थी, न नाली थी न ही अच्छे सड़कें थी, कॉलोनी के लोग काफ़ी परेशान रहते थे, लेकिन वर्तमान की सरकार क्षेत्र के सभी विकास कार्य करा रही है, जनता की समस्याओं से निजात दिलाने का काम कर रही है, जो अनवरत चलता रहेगा। विधानसभा अध्यक्ष ने वादा किया है कि हॉल कॉलोनी ऐसी बनाएंगे जो पूरे प्रदेश में नाजिर साबित होगी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर कानपुर कृषि भवन में किसान सम्मान दिवस 2023 से 24 का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में किसानों की ओर से अन्न को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तरह तरह के स्वादिष्ट मोटे अनाज से बने व्यंजन तैयार किए गए। वहीं मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए लगातार सरकार और किसानों की ओर से भी प्रयास किया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप अन्न के पैकेट आइटम भी मेले में आकर्षण का केंद्र रहे। किसान सम्मान समारोह के कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए विधायक नीलिमा कटियार ने बताया कि श्री अन्न का प्रयोग न सिर्फ किसानों की आय को बढ़ा रहा है बल्कि देश के सेहतमंद भी बना रहा है। ताज़ा कई सर्वेक्षणों में ये पता चला है कि मोटा अनाज स्वास्थ्य के लिए बेहद ही हितकारी है। गेहूं और चावल से बना भोजन सेहत को उतना लाभ नहीं देता जितना श्री अन्न के द्वारा फायदा मिलता है। पीलीभीत में रविवार को एक किसान अपने बच्चों सहित बैंक के लोन को अदा करने की खातिर अपने अंग बेचने CHC पहुंच गया, जिसके बाद CHC में हड़कंप मच गया। दरअसल मामला पूरनपुर तहसील क्षेत्र के गांव कुरैया खुर्द का कला का है, जहां निवासी अजीत सिंह पुत्र पृथ्वीराज सिंह अपने मासूम दो बच्चों के साथ सरकारी अस्पताल पहुंच गया। वहां मौजूद डॉक्टर और अन्य लोगों से अपने अंग बेचने की जानकारी करने लगा। अस्पताल में खड़े लोगों ने पूछा कि आखिर अंग बेचकर क्या करोगे, तो उसने बताया कि 2004 में मेरे पिता पृथ्वीराज सिंह ने पशुपालन के लिए भूमि विकास बैंक से ऋण लिया था। पिताजी की मृत्यु हो गई, 1.5 एकड़ जमीन है जिस पर भू माफिया कब्जा किए हुए हैं।
3.5 बीघा एक जमीन बची है जिसमें गेहूं लगाया। आवारा पशुओं ने गेहूं को बिल्कुल जड़ से उखाड़ लिया। हर दूसरे तीसरे दिन भूमि विकास बैंक के फील्ड ऑफिसर अन्य लोगों के साथ घर पर आकर बेइज्जती करते हैं। ऋण को लेकर काफ़ी मानसिक तनाव रहता है। इसी के चलते किसान अजीत सिंह काफ़ी तनाव में रहते हैं। सरकार को भी कोस रहे थे, कह रहे थे कि बैंक ऋण जमा करने के लिए और कोई व्यवस्था नहीं है। इसी के चलते सरकारी अस्पताल में अपना अंग किडनी बेचने के लिए सरकारी अस्पताल में भटक रहा हूँ, जिससे अंग बेचकर ऋण जमा करके भूमि विकास बैंक के कर्मचारियों से अपना पीछा छुड़ा सके। किसान के साथ 2 मासूम बच्चे भी थे। उच्च अधिकारियों से बैंक के कर्मचारियों और भूमाफियों की शिकायत करने पर भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। ये अस्पताल में मैं अंग बेचने के सिलसिले में आया हूँ। अंग इसलिए मुझे बेचना है क्योंकि मुझे सरकारी ऋण अदा करना है LDB बैंक पूरनपुर का। मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए, जमीन मात्र मेरे पास में 1.5 एकड़ है, उस पर भी माफिया लोगों को कब्जा है। तो इन परिस्थितियों में अंग वो कहाँ से ऋण जमा करेंगे? तो उसमें ये है कि अगर हम ठेके पर उठाते हैं बटाए जब कब्जा आधा पड़ता है उसमें कब्जा ठेके पर, वो कौन लेगा जमीन? अमेठी में राम मंदिर निर्माण को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने रैली निकाली, जहां घर घर अक्षत पहुंचाया गया। आपको बता दें कि अमेठी में विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष ने दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ घर घर जाकर अक्षत बांटे हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के निर्माण के लिए अयोध्या से आए इन अक्षतों की विश्व हिंदू परिषद ने जिम्मेदारी ली है, घर घर तक इसे पहुँचाने का काम हम कर रहे हैं। अमेठी के लोगों में राम मंदिर बनने की खुशी देखी जा सकती है। अतिक्रमण की मार झेल रहे गरीब तबके के लोग तो वहीं दूसरी ओर पॉलिथीन चेकिंग के नाम से उन्हीं गरीबों पर अत्याचार कर रहे हैं। वहीं नगर पालिका के कर्मचारी मामला स्टेशन रोड स्थित बुंदेलखंड होटल के पास का है, जहां पर एक गरीब बाप बेटा पानी की टिकिया का ठेला लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते चल रहे आ रहे थे। वहीं नगर पालिका के कुछ कर्मचारी उसके ठेले पर पहुंचे और पॉलिथीन चेकिंग के नाम पर उनके साथ अभद्रता की और मारपीट की, साथ ही उनका ठेला पलटक कर क्षतिग्रस्त कर दिया, वहां से भाग गए। गरीब लोगों के साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार नगर पालिका द्वारा किया गया, जिससे ये गरीब व्यक्ति हताश है। वहीं दोनों बाप बेटे को नगर पालिका के उन कर्मचारियों ने बेरहमी से भी पीटा। वहीं पीड़ित व्यक्ति कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक से मिलने की बात कह रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि नगर पालिका द्वारा किए जा रहे अत्याचारों पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई करती है। कासगंज की तीर्थ नगरी सोरुक सकूर क्षेत्र में मेला मार्गशीर्ष के अवसर पर मार्गदर्शी द्वादशी परवारा विश्राम घाट पर साधु संतों और श्रद्धालुओं सहित महामंडलेश्वर सहित साधु संतों ने शाही स्नान किया। स्नान के बाद श्रद्धालुओं में महामंडलेश्वर ने खजाना लुटाया और खजाना लूटने को श्रद्धालु भी काफ़ी भीड़ में नजर आए। आपको बता दें कि कासगंज जनपद की तीर्थ नगरी सोरो में मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष द्वादशी पर साधु संतों द्वारा शाही स्नान किया जाता है। सोरो के वराह मंदिर के मंडलेश्वर आशुतोष आनंद जी महाराज और विद्यानंद जी महाराज आदि साधु संतों ने बैंड बाजा के साथ वराह मंदिर विश्राम घाट पर श्रद्धालुओं संग शाही स्नान किया। शाही स्नान के बाद महामंडलेश्वर आशुतोष आनंद ने खजाना लुटाया। खजाना लूटने की प्राचीन परंपरा चली आ रही है। आज खजाना लूटने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। महामंडलेश्वर आशुतोष आनंद जी महाराज ने बताया कि सोरो भगवान वराह की निर्माण स्थल तीर्थ नगरी सोरुक शुक्र क्षेत्र में मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की द्वादशी पर शाही स्नान साधु संतों के साथ करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। तीर्थ बटेश्वर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। संकुल केंद्र तत्काल सड़क तैयार की गई है। सभा स्थल का पंडाल भी बनकर तैयार हो चुका है। आपको बता दें कि आज सीएम योगी यहां पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर कार्यक्रम में पहुंचेंगे। साथ ही बटेश्वर में पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और 100 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं और पर्यटन को बढ़ावा देने का शिलान्यास करेंगे, जिसको लेकर मंडलायुक्त आगरा ऋतु महेश्वरी, DM आगरा भानुचंद्र गोस्वामी और पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रतिंदर सिंह ने प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों के साथ बैठक की। मंडलायुक्त DM और पुलिस कमिश्नर ने
अधिकारियों के साथ तैयारियों को लेकर निरीक्षण किया और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। एमपी के मंदसौर में शामगढ़ सुवारा के बीच में रेलवे ट्रैक पर अज्ञात व्यक्ति ने खुदकुशी कर ली। सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।